अब देखते हैं गगन भाई यहाँ से गाड़ी कैसे निकालते हैं बिना व्हील टच किए। क्यों हमें होटल में पानी नहीं दे रहे? कमी यहीं से स्टार्ट हुई है। लड़कियों के साथ लड़का लड़की ऐसे आते हैं ऐसे लोकेशन में, बहुत होता है इंडिया में। एक साइड से फैसल को पकड़ा, एक से मेरे को पकड़ा। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है क्योंकि इस बीएनबी में ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट मैंडेटरी था तो हमने ले ही लिया। तो अभी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं सर यहाँ पे हमारे लिए, सर मतलब गगन नहीं, यहाँ पे जो है बहुत ही मतलब अच्छे से रखा है हमें, हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है और बारिश हो रही है सुबह से। अच्छी बात ये नाश्ता आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखो कितना अच्छे से बनाया सर ने। और यहाँ पे फ्रिज के अंदर थोड़े जूस वूस है, बाय द वे सर इसलिए बोलते हैं यहाँ पे सर है ना, नाम ऐसे बोलते हैं सर लुइस हैमिल्टन। क्या है थिंग आप लोगे? हाँ? जूस लोगे? ऑरेंज है, कैन वाला है, ऑरेंज जूस, ऑरेंज होता है ना संतरा, कैन ही लगा और क्या होगा। यहाँ पे यूरोप में एक और बकचोदी है, यूके में भी बेसिकली चेकआउट बोलते हैं 10 बजे कर लो, 11 बजे कर, अरे उठने दो, स्नान करने दो, सांस लेने दो, पहले ही बाहर निकाल देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब देखते हैं गगन भाई यहाँ से गाड़ी कैसे निकालते हैं बिना व्हील टच किए। ये देखो फोक्सवैगन की गजब सी वैन जा रही है, ट्रांसपोर्टर। चलो सर निकाल लो गाड़ी, देखते हैं हम कैसे। अरे वो देखो भैया। अरे हमें छोड़ के मत जाओ, लगा दी ना, ठोक दी आपने। थैंक्स। अब आज हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ रहने वाले हैं? नहीं बस निकल जाते अपनी वैन लेके, कोई आइडिया नहीं किधर जाने वाले, कहाँ रहने वाले, क्या खाने वाले। एक ऐप डाउनलोड करेंगे वो डिलीवरी डिलीवरी वाली, वो उसमें अगर कहीं भी जाना होगा उधर जाएंगे जहाँ पे लोग बोलेंगे हमारा पार्सल डिलीवर हो गया, वहाँ जाएंगे। हाँ जगह बहुत, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे कोई भी बस स्टेशन पे रोकते हैं और लोगों को उठाते हैं। हाँ और क्या, तो वहाँ बैठ के अभी यहाँ पे चलते हैं, बंदा रुके हुए यहाँ यहाँ लंदन 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 लंदन, पर हम लंदन जा ही नहीं रहे। आपने जैसी सीट बेल्ट निकाली ना गाड़ी ऑन हो जाएगी, स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। बोला ना मैंने आपको कि आप छोड़ रहे हो कर गाड़ी बड़ी, मैं ऑन रहूंगी। आप बेसिकली कहना चाहते हो पानी ऊपर तक होना चाहिए लेकिन इतना कम हुआ है क्योंकि बारिश हुई नहीं है। अब आप समझे रीजन क्यों हमें होटल में पानी नहीं दे रहे। कमी यहीं से स्टार्ट हुई है। और अभी हम जहाँ आए हैं लोकेशन एकदम गजब है, ये देखो ये डैम है, यहाँ पर डैम ही है ना। इस गाड़ी के दो वेरिएंट आते हैं, नॉर्मल व्हील बेस 4.4 मीटर्स एंड लॉन्ग व्हील बेस 4.75 मीटर्स। अभी गगन मेजर कर रहा है हमारी वाली कौन सी है, पता ही नहीं चल रहा कितना है। 4.5 वाली है ये, 4.3 4.4 तो कैलकुलेट हो रहा है, 4.5 मीटर ही है। 4.5 मतलब, अरे बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, मतलब 4.4 मीटर जो है ना लगभग क्रेटा साइज की हुई, क्रेटा से थोड़ी बड़ी, ये तो मतलब बहुत ज्यादा लंबी लग रही है। आपको एक और गजब आइडिया बताओ, इस गाड़ी में सर्विस मैनुअल करके आती है, कार मैनुअल वो इधर पड़ा हुआ है सामने। हाँ वो कार मैनुअल जो है वो दोनों के यहाँ सेम ही है। आर यू श्योर? मुझे लगता है अलग होगा। 4.46 मीटर दिखा रहा है इस बम्पर तक, तो आगे 4.5 हो गया। सो बेसिकली अभी हम करेंगे ड्रोन शॉट्स। यस फाइनली बहुत अच्छी लोकेशन है। प्रॉब्लम क्या हुई ना, हम वेट कर रहे थे कि चलो थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, धूप बाहर आ जाएगी। धूप तो आ गई बार, अच्छा हुआ, लेकिन धूप के साथ इतने सारे लोग भी आ गए हैं तो अब ड्रोन उड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है मुझे। थोड़ा वेट करेंगे, होपफुली क्लियर हो जाए। यू वोंट बिलीव फ्राइडे के दिन भी इतने सारे लोग आ जाते हैं तो वीकेंड पे क्या हालत होगी। बट यहाँ पे क्या है ना, यूजुअली इंडिया में होते हैं यंगस्टर्स जो आते रहते हैं, यू नो लड़कियों के साथ लड़का लड़की ऐसे आते हैं ऐसे लोकेशन में, बहुत होता है इंडिया में। बट यहाँ पे ना ओल्डर लोग आते हैं बिकॉज रिटायर हो चुके हैं, चिल करने आ जाते हैं घूमने, तो यहाँ पे थोड़ा अलग ही सीन है। अभी शूट वूट हो गया मेरा तो डिसाइड किया हम चलो ऊपर चढ़ जाते हैं। और गगन भाई पीनट्स अकेले अकेले खा रहे हैं, शर्म करो थोड़ी। तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे मैं अपनी पॉकेट में ना मैकडॉनल्ड्स के सब सॉस लेके घूम रहा हूँ, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। अरे भाई इसमें फोर व्हील ड्राइव चाहिए,
देख क्या रहा है बे? कितने परसेंट बैटरी? 1% खतरों के खिलाड़ी आप ही हो। अभी गगन वॉकर ऑन कर रहा है तो उसको ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ। यहाँ से डैम से पानी निकल रहा है और ज़्यादा बारिश हुई नहीं है पिछले काफ़ी दिनों से, इसलिए खाली है पूरा। ये खड़ी जैगुआर ई टाइप और एज यूजुअल हमें वापस जाना है। इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? क्या लगती है ई टाइप? अब बाहर बहुत बार देखा है मतलब, लेकिन कभी रोड पे नहीं देखा, बाहर देखा है। बाय द वे गगन ने एक बहुत ही अतरंगी हरकत की है। आप अभी वुमेन्स वॉशरूम में घुस गए थे बाय मिस्टेक। चल झूठे, मिस्टेक नहीं थी, इंटेंशन था, ये मुझे पता है। समझ रहे हो आप? अभी हम एक इंडियन रेस्टोरेंट आए हैं, टेस्ट ऑफ इंडिया। बाय द वे चलाता है बांग्लादेशी गाड़ी, बोलते हैं यहाँ पे लगा दो ये मेरी पार्किंग। मैंने कहा बोर्ड है बीच में, बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी पार्किंग तो मेरी, बोर्ड कहाँ पे भी लगाए उनकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। चलो चलते हैं। प्रेजेंटेशन इंडियन रेस्टोरेंट की कोई बेटी नहीं कर सकता। देखो कितनी प्यारा लग रहा है खाना। ये तो मुझे लौकी लग रही है बट लौकी नहीं है। Later that same evening. कभी देखा है जिंदगी में ऐसे? बारिश भी हो रही है, धूप भी है, मतलब यहाँ का वेदर कुछ भी हो सकता है और रेनबो दिख रही है आगे। अभी टाइम कितने बजे हैं? ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। धूप देखो कितनी तेज है, बारिश हो रही है अभी, आई किड यू नॉट, बारिश भी हो रही है। एंड ये देख रहे हो बारिश हो रही है अच्छी खासी और वहां पे रेनबो, क्या लाजवाब लग रही है रेनबो। ऑनेस्टली रहा नहीं गया तो हम रुक गए यहाँ पे और ये देखो रेनबो और भी बेटर लग रही है। दिख रही है क्लियर कट बारिश हो रही है और यहाँ पे देखो क्लियर कट रेनबो, हाँ काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है। यहाँ पे पार्किंग का सिस्टम बहुत सिंपल है। मंडे टू सैटरडे 8 से 6 आप 1 घंटे तक पार्क कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तक आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते, वरना आदमी यहीं पे घुमाता गया। हमने अभी जो होटल बुक किया आज का, उसमें तो डिस्को चल रहा है यार। अब देखते हैं यहाँ पे रह पाएंगे कि नहीं हम। तो गगन जी, आपको तो टीवी भी नहीं दिया, मेरे बेड के सामने तो एक पूरा प्रॉपर टीवी भी है देखो, और यहाँ पे साले ना ही पंखा ना ही एसी कुछ नहीं, छोटी सी ऐसी विंडो खोल के बैठ जाते हैं, बोलते हैं यहाँ से हवा आएगी। एक्चुअली जब ये इंडिया से आए थे ना तब तक पंखा और एसी बना नहीं था, ले आते वो भी। अच्छा ये बताओ मुझे कैसा लगा आपको? क्या एक गैर औरत को हग करके गले लगाना पीछे ही पड़ गई, पीछे ही पड़ गई, खुद ही आई कम हग, एक साइड से फैसल को पकड़ा, एक से मेरे को पकड़ा, तो इतना लाइफ खराब हो गया है। लेकिन क्यों आई वो, दैट इज इम्पोर्टेंट। दोनों को हक किया तो सिग्नल हम दोनों को ही नहीं मिला। तो बेसिकली क्या हुआ ना, चेक इन किया तो वहाँ पे कुछ जो डिस्को विस्को चला था, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो निकाला, वीडियो देख लो ये वाला वीडियो। अब बताओ इस वीडियो में कोई है नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा था नूरेन को भेजने के लिए कि देखो हम लोग तो पार्टिंग कर रहे हैं। अब ये फनी चीज हुई कि वो बंदी आई, बोलती तुमने मेरा वीडियो निकाला, पहले वो मेरी तरफ आई, वो मेरे को आगे बोलती है कि डिड यू जस्ट कॉल मी, वो बोला उसने रिकॉर्ड मी, बोला मेरे को सुनाई दिया, कॉल मी, म्यूजिक बहुत तेज। तो मैं क्यों बुलाऊंगा तेरे को, मैं तो दिखी नहीं तू मेरे को, और मैंने बोला ही नहीं, रिवर्ट ही नहीं किया, मैं वापस चेकिंग डेस्क की तरफ बढ़ गया। फिर वो जाके आपके पास में आई, तो मैंने कहा हाँ मैंने रिकॉर्ड तेरे को नहीं किया, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, थोड़े प्यार से बोला। तो बोलती ओ नो प्रॉब्लम, यू वांट ड्रिंक्स, हग मी, ऐसे करके ना खड़ी हो गई हम पे चढ़ गई भी। नहीं ऐसे होगी, फिर थोड़ी देर उसको लगा आएंगे, फिर हमें कोई नहीं आया, फिर आई ऐसे आगे आई वो। तो इतना लाइफ खराब हो गया है। जहाँ पे हम रुक रहे हैं ना, वहाँ पे हम सेकंड फ्लोर पे ना, और सीढ़ियाँ हैं नहीं, हाँ सॉरी लिफ्ट नहीं है, देखो ऐसा हो जाता है हालत खराब, इसलिए हमने अपनी मेगा वैन से कपड़े वपड़े निकाल लिए
और सूटकेस वहीं पे छोड़ दिया। घुसना कैसे? हाँ, अरे बहुत मतलब ये है क्या बोलते पजल लगा के रखे कहाँ घुसना है कुछ आइडिया ही नहीं, इधर से उधर घुसो इधर उधर। मैंने पूरा डिब्बा ही उठा लिया उनकी बिस्किट्स का। हाँ, वो पीछे पीछे आ रही, भागो। अगर आप आउट ऑफ फ्यूल हुए यूके में तो आपको एक फाइन लगता है आउट ऑफ फ्यूल जाने के लिए और लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। लंगूर के हाथ में अंगूर। ये बढ़िया था गुरु।